साइकिल से चल करके लंबा सफर तय किया है इन्होंने और गाजीपुर बॉर्डर पहुंच करके किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं, हमारे बीच मौजूद है ये। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर गुड्डू यादव पड़ेगा और मैं आप सबको, जो भी मीडिया कर्मी है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपना कीमती समय लेकर। चलिए ठीक, आप बलिया से चल करके इसी साइकिल से यहाँ आए? क्योंकि साइकिल अभी मेरे पास ये है और मैं इस साइकिल से 7 फरवरी से ही मैं अपने ज़िले में किसान समर्थन में आंदोलन के लिए मैं गांव-गांव, ज़िले में गांव-गांव, शहर-शहर किसान समर्थन में लोगों को जागरूक करने का काम किया और मैं 23 मार्च को शहादत दिवस के दिन मैं अपने गृह नगर बलिया से निकला और मैं कल शाम को करीबन इसी समय मैं यहाँ पर पहुँचा, लेकिन मैं काफ़ी थक चुका था और मैं बात करने की स्थिति में। 23 मार्च को चले और कल पहुँचे? जी। तो काफ़ी लंबा वक्त लगा आपको वहाँ से यहाँ तक आने में? जी जी। रुकना पड़ा होगा बीच में? जी। अच्छा, तो अकेले थे या और भी लोग थे? नहीं, हम अकेले थे, चले तो अपने जिले से अकेले ही थे, लेकिन हम पर जो भी किसान समर्थित भाई साहब, जो भी जनमानस है, हम पर नज़रें बनाए हुए थे और यथासंभव हमें कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, रहने खाने और ठहरने की व्यवस्था कर रहे थे, जिसमें सर्व सेवा संघ के माननीय श्री राम धीरज सिंह जी, जो एक बड़े भाई की तरह भूमिका निभाए इसका किसान आंदोलन यात्रा में, जो साइकिल से हम चले हैं। तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, क्या क्या दुश्वारियां पेश आई रास्ते में? देखिए भाई साहब, मेरा तो सफर 23 जनवरी से शुरू हुआ दिल्ली बॉर्डर के लिए। नहीं, आप तो 23 मार्च बता रहे थे। हाँ, 23 मार्च से शुरू हुआ। जितना मुझे कष्ट हुआ उससे कहीं मुझे जो है उत्साह वर्धन मिला कि जो लोग और मीडिया ये प्रचार प्रसार करने पर लगा हुआ है कि बस ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आंदोलन में लगे हुए हैं, लेकिन मैं जब बलिया जिले से चला तो मुझे दिल्ली तक अपार समर्थन और सहयोग मिला और लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया और मुझे उनके उत्साहवर्धन के आगे जो मुझे कष्ट हो रहा था, मुझे कभी आभास नहीं हुआ कि मैंने कष्ट झेला है या झेल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप जब बलिया से चले 23 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पे पहुँचे, जब आप वहाँ से चले थे तो जाहिर सी बात है मन में बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, बहुत सोच डेवलप हुआ होगा, जब यहाँ आप पहुँचे तो क्या नज़र आया, क्या कुछ फ़र्क नज़र आया जो आप सोच के चले थे या जो सोच करके चले थे उससे कहीं ज़्यादा कुछ नज़र आया? देखिए भाई साहब, जो ये महीने के लगभग धरने प्रदर्शन पर हमारे भाई बंधु, माता बहने जो कष्ट सह रहे हैं और जो अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, मैं जब इस आंदोलन के समर्थन में जब चला तो मुझे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी किन शब्दों में लोगों ने बयां किया, क्योंकि ये सनातन धर्म संस्कृति को लेकर चलने वाले हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि ये सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले लोगों के दिलों में क्या इनके प्रति हैं वो भी जानने का कष्ट करे कहां सरकार। है आपका कहां, किसके बारे में कह रहे हैं? हमारा इशारा सीधी सीधी जो है कि सरकार के प्रति है और भाई साहब, जिस अनुभव को मेरा हुआ इस सभ्य आंदोलन समर्थन साइकिल यात्रा के दौरान, मैं आपसे वो बयां कर रहा हूँ। तो ये सरकार पे अचानक से सनातन धर्म को लेकर के निशाना साध रहे हैं, इसकी वजह कुछ हो सकती है ना? हाँ, जो वजह जरूर है, क्योंकि मैं भी सनातन धर्म से आता हूँ और सनातन धर्म संस्कृति में अशब्द शब्दों का कोई मायने नहीं रखता और इसकी कोई जगह नहीं है,
लेकिन जिस हिसाब से सनातन धर्म के मानने वालों ने जिस शब्दों से सरकार का विरोध किया, मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी मजबूरी समझिए या मैं सनातन धर्म का एक शुभचिंतक समझिए। अच्छा चलिए ठीक है, चूंकि आप पूर्वांचल से आए हैं, बलिया से आप आए हैं, ये कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ज़्यादा जागरूक हैं, पूर्वांचल के किसान इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो क्यों? देखिए भाई साहब, आपका बात तो सही है, लेकिन जहाँ पश्चिमी और पूर्वांचल की बात है तो मैं आपको बता दूं कि ये जगह पर मेरी तीसरी बार आगमन हुआ। मैं एक बार 22 जनवरी को आया था और दूसरी बार मैं 13 मार्च को आया था, और इस बार मैं ये साइकिल यात्रा से आया हूँ। अब बात पूर्वी की हो तो इतिहास गवाह है कि आज़ादी से पहले भी बलिया बागी के नाम से मशहूर था, और आज भी बगावत करने में कहीं भी पूर्वांचल और बलिया पीछे नहीं मतलब है। उस इलाके में किसान जागरूक हैं आपके कहने का ये मतलब? हाँ, तो ये जागरूकता उनमें आ रहा है, और बहुत जल्द पूर्वांचल के किसान गांव-गांव, गली-गली, शहर में जो है कि आंदोलन के समर्थन में खड़े होने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप खेती किसानी भी करते हैं? जी। और क्या क्या करते हैं? मैं देखिए पेशा से तो होम्योपैथ का चिकित्सक हूँ। अरे वाह। और दूसरी बात कि मेरा बुनियाद ही कृषि है, और भाई साहब मुझे इस बात का यहाँ बॉर्डर पर आने के बाद मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैं एक किसान परिवार के घर में जन्म लिया हूँ, और किसानों की ताकत वो है कि अगर अपने घर से एक मुट्ठी चावल निकाल कर दे दे तो हम आंदोलन को कई साल तक जीवित रख सकते हैं और इस आंदोलन को लड़ सकते हैं, ये किसानों की ताकत है। तो जब यहाँ से आप लौट करके वापस जाएंगे अपने घर अपने इलाके में, तो क्या लोगों को बताएंगे, क्या समझाने की कोशिश करेंगे? समझाने के लिए तो भाई साहब हर कोई समझदार है, और समझने के लिए लोगों को खुद को अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर लोगों को नहीं, मेरा सवाल दरअसल इसलिए है कि चूंकि आप प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, यहाँ आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं, तो यहाँ देख रहे होंगे किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के अब तक, तो ये जब यहाँ देख रहे हैं आप, तो इन सब चीज़ों को लेकर जब वापस अपने गांव जाएंगे, अपने घर जाएंगे, अपने ज़िले में जाएंगे, अपने इलाके में जाएंगे, तो क्या बताएंगे लोगों? नहीं, आपका सवाल सही है, मैं पहले ही बता चुका था कि मैं 22 जनवरी को यहाँ आया था, और मैं पूरे ही देश के नौजवानों से, किसानों से ये आग्रह करूँगा कि आप भी जहाँ भी देश में आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पहुँचें और इस आंदोलन के बारे में आप समझें, और जहाँ तक मुझे सवाल है मैं यहाँ आया, समझा, और तभी मैं अपने ज़िले में समझाने के साथ साथ आज मैं 23 मार्च को साइकिल से इस यात्रा को लेकर चला और लोगों से मिलते जुलते, समझते और समझाते हुए आया।